लास्ट टाइम हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो नहीं देखा था खैर, लेकिन हमने जो इतना देखा था कि हम लोगों ने फॉर्म बनाया था बड़ा बेसिक लेवल का, और फॉर्म की चंद प्रॉपर्टीज देखी थी छोटी मोटी, जो रिक्वायर्ड हो गया और रीड ओनली हो गया, वैल्यू हो गया, प्लेस होल्डर हो गया ऐसे। आज कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक बनाते हैं और फिर देखते हैं कि उसके अंदर मजीद एलिमेंट्स क्या क्या यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बाकी चीज़ें देख के फिर आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो बस आप लोगों ने ना देखते जाना है कि एक फॉर्म अगर आपने एक एचटीएमएल की हद में रहते हुए बनाना है तो वो कैसे बनाना है। हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते पूरी लेआउट्स पे आ जाएंगे, वेबसाइट्स किस तरह से बिल्डअप करना शुरू करनी है। अभी तो हम चंक्स में काम कर रहे हैं, लाइक टुकड़ों में काम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा टॉपिक पकड़ के, लेकिन एक ही प्लेटफॉर्म पर इम्प्लीमेंट नहीं अभी तक हमने किया, तो वो बस कुछ मजबूरी ये है कि पहले इस तरह से टुकड़ों में समझाना लाजमी है। अच्छा जी, सबसे पहले कौन सा टैग आता है फॉर्म का? मैं अलाइनमेंट को यूज़ करना है तो क्या यूज़ करूँगा? अलाइनमेंट के साथ बनाना है तो क्या यूज़ करूँगा? टेबल। कल बात हुई थी ना ये टी आर, और फिर क्या आएगा? टी डी। एक बना लेते हैं फिर उसको कॉपी पेस्ट करके मॉडिफिकेशन कर लेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, यूजर नेम की टाइप क्या आएगी? यूजर नेम की इनपुट टाइप क्या आएगी? टेक्स्ट ही आएगी, ठीक है ना। तो बाकी इसमें कुछ नहीं चेंज करना, बस आप यहां जाके क्या कर दो, यूजर नेम कर दो। फिर से पेस्ट किया ईमेल के लिए, और इसकी क्या होगी? अच्छा जी, ये भी हो गया, सारा कुछ हो गया। उसके बाद अब ज़रा देखना शुरू कीजिएगा, ये तो कल वाले काम थे ना। अब मैंने इसको मैंने पेस्ट किया, और मैं कह देता हूँ जेंडर। अब मेरी बात सुनिए, जब आप जेंडर की ऑप्शन कभी भी आपने वेबसाइट पे देखी, उसमें आपने यही देखा होगा कि वो रेडियो होते हैं, गोल बटन्स होते हैं, और उनमें से मैं एक ही सिलेक्ट कर सकता हूँ, या मेल या फीमेल। अब इसकी जो इनपुट टाइप है, सबसे पहली बात है प्लेस होल्डर नहीं लगेगा इसके अंदर। सबसे पहले इसकी इनपुट टाइप क्या आएगी? रेडियो। और यहाँ मैंने लिख दिया मेल, इधर में आया इनपुट टाइप, मैंने फिर से रेडियो ली, और यहाँ मैंने लिख दिया जी इसको फीमेल। साथ साथ इसको यहाँ, चलो एक ही बार देखते हैं फाइनल आउटपुट, एक ही बार देखते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं कह देता हूं कि अपनी प्रीवियस क्वालिफिकेशन बताओ। दो तरह से होती हैं चीज, एक होते हैं रेडियो बटन जो कि एक सिलेक्ट करते हैं, एक होते हैं चेक बॉक्सेस जो मल्टीपल सिलेक्शन करते हैं। तो अगर आपने कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर रहे हो जिसके अंदर आपने मल्टीपल सिलेक्शन लेनी है, उसके अंदर इनपुट टाइप क्या आती है? चेक बॉक्स। ये नहीं लगेगा इसके अंदर, ये प्लेस होल्डर उनमें लगता है जिसमें हमने लिखना हो कुछ, लाइक इनपुट फील्ड्स जो कि टेक्स्ट होती हैं। इसके अंदर मैं कह देता हूँ तुम सिलेक्ट करते जाओ कि क्या क्या किया हुआ तुमने, और एक और ले लेते हैं हम, यहाँ हम कर लेते हैं इनपुट टाइप अगेन चेकबॉक्स, और यहाँ मैं कर लेता हूँ एम एस सी एस, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया,
आज कंप्लीट फॉर्म पे काम कर रहा है। अच्छा जी, उसके बाद मैं इधर अगेन आता हूँ, पेस्ट किया, उसके बाद डेट, ज्वाइनिंग डेट क्या थी आपकी? नहीं नहीं मुझे भी पता है, मैं कौन सा असल में काम कर रहा हूँ। ये देखो डेट से कितनी ऑप्शन आई है, एक सिंपल डेट आई है, एक डेट टाइम आई है, एक डेट टाइम लोकल आया। ठीक है, ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो ऊपर वाला या तीसरा होता है। ठीक है, लेकिन चलो फिलहाल मैं आपको डेट बताता हूँ किस तरह से है। ये भी हो गया, उसके बाद इधर आते हैं हम, पेज नंबर अगेन आते हैं इसके ऊपर, तो कर लो लाइक जो मैंने कल बताया था वो भी इम्प्लीमेंट कर लो, फ़ोन नंबर कर लो जिस तरह से मैंने कल बताया था। ठीक है, मैं वैसे वो चीज़ें अभी कवर अप कर रहा हूँ जो हमने कल नहीं पढ़ी। ठीक है, तो अच्छा इसके बाद ये आता है यहाँ कलर, और या सेलेक्ट डिग्री। अब फॉर एग्जांपल मैं एक यूनिवर्सिटी के लिए बना रहा हूँ, डिग्री सेलेक्ट के अंदर मैं चाहूँगा एक ड्रॉप डाउन है, उसके अंदर लिखाओ आपने ICS करना है, BCS करना है, क्या करना है, फलाना फलाना व्हाटएवर क्या करना है। अच्छा, इसके ऊपर कोई वैलिडेशन नहीं है, वो GS के काम है। अभी हम एक स्ट्रक्चर बस बिल्डअप कर रहे हैं। मैं इसके अंदर अब वो जो आप लोगों को मैंने एक ड्रॉप डाउन बनाना सिखाया तो होगा, ड्रॉप डाउन से मतलब लिस्ट बनानी सिखाई तो हुई है, ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट, लेकिन वो जब पेज खोलो तो सारी नज़र आ जाती है। एक चीज़ है जिसका नाम है सिलेक्ट का टैग, मैं कह देता हूँ जी कौन कौन सी डिग्री है। खैर इसी तरह से कोई भी रैंडमली हम लिख लेते हैं जी, और एक और लिख कर लेते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद अगेन आते हैं और पिक्चर अपलोड कर लिए। अगेन आते हैं इसके ऊपर और कंट्री के लिए भी सेम वही ड्रॉप डाउन आपने किस तरह से करना है। आप खैर इतनी लेट आए, एक और कंट्री ले लेते हैं इसको। फिर एक और आते हैं। अब आपको पता है एड्रेस के लिए एक बड़े साइज का बॉक्स होता है, ऐसे ही है इनपुट। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि मैं इनपुट को फिर ऐड करके भी तो बड़ा कर सकता हूँ, ऐसा है कि नहीं? ऐसा नहीं है, इसके लिए एक बड़ा बॉक्स बनाने के लिए एक टैग है जिसका नाम है टेक्स्ट एरिया।
ये मैं सारा आपको अभी बताता हूँ क्या क्या चीज़ है इसके अंदर. कॉल्स आएगा, कॉल्स में से दे देता हूँ 30 कॉल्स. मैं समझाता हूँ सर, फिर दोबारा आते हैं. ये फॉर्म है आपके सामने, ठीक है. अब इसको फिलअप करते हैं और चीज़ों को देखते जाते हैं, समझते हैं कि क्या किया हमने. मैंने नाम एंटर किया अपना, ये एंटर किया, ओके, पासवर्ड एंटर किया. अब इनमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट हो सकती है, ऐसा ही है ना, ठीक है. या ये हो सकती है या ये हो सकती है, लेकिन दोनों हो गई. तो तुम्हें क्या लगता है, मैं मेल ही हूँ ना, तो फिर एक ही होनी चाहिए थी ना, ठीक है. यहाँ शक पड़ जाता है. अब इसको देखते हैं मसले को, ये हमने मसला कैसे हल करना है, इसको हम कर देते हैं अभी साइड पे. ये अभी एक नहीं सिलेक्ट कर रहा, जो एक स्टैंडर्ड मीट करता है मैं उस स्टैंडर्ड पे नहीं पहुँचा दे. लेकिन ये चेक बॉक्सेस हैं, ये मैं कहता हूँ मैंने ICS भी किया हुआ है, मैंने BCS भी किया हुआ है, वो पूछ रहा आपसे प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है. फिर ये डेट है, इसको क्लिक करता हूँ पूरा कैलेंडर आ जाता है. आप पूरे कैलेंडर में से आज की डेट को पिक करो और ये ओके हो. एंटर एज है, अब ये देख रहे हो एज वाले के साइड पे दो बटन आ रहे हैं. इसको दबाता जाऊँगा काउंटिंग शुरू हो जाएगी, इसको दबाऊँगा काउंटिंग कम होती जाएगी. मैं इसको लिमिटेड भी कर सकता हूँ. मैं चाहता हूँ कि मेरे फॉर्म के अंदर कोई 30 साल से ऊपर का ना बंदा अपना एंटर करे, तो मैं एक वक्त आएगा 30 के बाद जाके रुक जाएगा, ठीक है. मिन और मैक्स है जो उसका, मैक्स लेंथ जो, ठीक है. खैर मैं इसको कहता हूँ जी एज हम नहीं एंटर कर दी, डिग्री हमने, मैं कहता हूँ जी मैंने LLB करना है. सेक्शन, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है एग्जांपल के तौर पे, ये सेक्शंस हैं सारे के सारे, ठीक है. नीचे से कॉल आया था, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी चल रही है, ओके. अच्छा तो यहाँ से वट एवर मैंने कौन सा भी सेक्शन चूज़ किया, ये जिस आपको बताया था, ये इनपुट टाइप कलर है, ये कहीं भी तुम यूज़ कर सकते हो. ज़रूरी नहीं तुमने क्लॉथिंग की वेबसाइट बनाई हुई है, आप उसमें भी कलर स्कीम यूज़ कर सकते हो, है ना, ये बात सोचने वाली, ठीक है. नेक्स्ट आता है अपलोड योर पिक्चर, मैं इधर क्लिक करता हूँ. मैं कोई भी यानी पिक्चर वगैरह आप लोग अपलोड करते हो. अभी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई, आपको पता है, ये आप यहाँ कोई डॉक्स फाइल भी अपलोड कर सकते हो, PDF भी अपलोड कर सकते हो, वो तो काम ख़राब है ना. ये हम सारी की सारी वैलिडेशन देखेंगे जब हम बैकएंड PHP पे आएंगे. हम साइज़ लिमिटेड कर सकते हैं कि यार सिर्फ 5 MB तक पिक्चर जाए, इससे बड़ी पिक्चर नहीं आनी, ठीक है. तो कोई भी पिक्चर मैंने एग्जांपल के तौर पे ये पिक्चर ले ली, यहाँ कंट्री सेलेक्ट किया और ये है एड्रेस के तौर पे, ठीक है. यहाँ से मैंने कर दिया इसको रजिस्टर्ड, ठीक है. यानी सारा अगर बैकएंड लगा होता तो सारा डाटा मेरा सेव हो जाना था. अब इधर देखते जाओ और मुझे बताते जाओ कि क्या चीज़ आपको नहीं समझ आई. यहाँ नेम समझ आया, यूज़र नेम समझ आया, ईमेल का पता चला, पासवर्ड क्लियर है, जेंडर. उस मसले के अलावा अगर जो है वो समझ आया कि हमने पुट कैसे किया, क्लियर है. उसके बाद ये चेकबॉक्स मल्टीपल ऑप्शन समझ आई. उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग में डेट आया, ये समझ आया. उसके बाद एज में नंबर आया, ये क्लियर है. फिर मैंने आपको ड्रॉप डाउन का बताया, जिस तरह OL UL होता है ना, वो मेन टैग है, अंदर LI आता है. इसी तरह जो मेन टैग है वो सिलेक्ट है, अंदर जितने ऑप्शन डालने ऑप्शन के नाम का टैग है, क्लियर है. उसके बाद आता है जी मेरा कलर के लिए
इनपुट टाइप किया कलर, पिक्चर के लिए इनपुट टाइप किया फाइल है, ये कंट्री का सेम एड इज एज इट इज, ये कॉल्स और रोज की होती है, ये लंबाई चौड़ाई उस बॉक्स की। अगर तुम कॉल्स बढ़ा दोगे तो उसकी यू विड्थ बढ़ जाएगी। ये देखो 30 रखा हुआ है मैंने इसका, मैं इधर आता हूँ, इधर आके हम इसे कर लेते हैं 40 एग्जांपल के तौर पे। आप इधर देखो और इसको अगर मैं अपडेट करूँ तो थोड़ा सा बढ़ा, इसी तरह अगर आप रो भी बढ़ाओगे तो वो हाइट वाइज बढ़ता जाएगा। उसके बाद सेकंडली ये लास्ट जो आती है वो चीज़ वो ये है, इनपुट टाइप सबमिट है, इसका कल बताया था ये वैल्यू क्या होता है, जो बटन के ऊपर लिखा होगा। इनपुट टाइप रीसेट से मुराद है फॉर्म खाली ना हो कैंसल कर दो। इसका फ़ायदा क्या है ये देखो रीसेट का, मिसाल के तौर पे मैं ये फॉर्म फिलअप कर रहा था, मैं फॉर्म फिलअप कर ही जा रहा हूँ, मैंने काफ़ी ज़्यादा फॉर्म फिलअप कर लिया, मुझे लगा कि मैं गलत फिलअप कर रहा हूँ, मैं दोबारा से सारा फिलअप करना चाहता हूँ, मैं कैंसिल का बटन दबाऊंगा, इसका मतलब है डाटा गया नहीं फॉर्म को, उसने रीसेट कर दिया सारा कि भाई दोबारा से फिलअप कर लो। तो इनपुट टाइप रीसेट का मतलब है कि डाटा अपने फॉर्म को रीसेट कर देना। आपको पता है कि ये सारे बटन बुटन पता है कब चलेंगे, जब मैंने FORM का टैग लगाया हुआ है। अभी अगर मैं फॉर्म का टैग ऊपर नीचे से ख़त्म करूँ ये कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है, फॉर्म का टैग लगाना लाजमी है। फॉर्म का टैग नहीं लगाते ना अपीयरेंस ही आ जाएगी, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन फंक्शनैलिटी नहीं परफॉर्म होगी, ठीक है। फॉर्म की समझ आई है कि नहीं आई? अब एक मसला कौन सा रहता है, नहीं होगा। रीसेट का मतलब ही यही है कि आपका कहीं डेटाबेस में नहीं गया, यही मतलब है। अच्छा यार वो जिस जिसको ड्रीमवीवर का क्रैक का था आपको, तो गुमाना तो वो आईटी का बंदा बैठा हुआ है उसे मिल लेना, ठीक है, कोई मसला नहीं, वो कर देगा आपको मसला। अच्छा ये देखें मेल और फीमेल दोनों की टाइप की है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि मिसाल के तौर पे यहाँ अली नाम के दो बंदे बैठे हैं, मैंने आवाज़ दी अली, तो इसका मतलब मैं एक को बुला रहा हूँ ना, तो एक ही मुखातिब होगा। अभी क्या हो रहा है कि दोनों को दोनों आ जाते हैं, यहाँ भी मैं दोनों के नेम सेम रख देता हूँ, एक नेम की प्रॉपर्टी, दोनों का नाम मैंने रख दिया, इसका भी नाम मैंने रख दिया PNY, इसका भी नाम मैंने रख दिया PNY। अब होगा पता है क्या, दोनों के नेम सेम है, यानी या तो ये कॉल होगा या तो ये कॉल होगा, ठीक है। जब जब तुम रेडियो बटन के नेम सेम रखोगे उनमें से एक कॉल होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक रेडियो यहाँ ले लेता हूँ ये कलर के साथ ही, मिसाल के तौर पे यहाँ मैं इनपुट टाइप रेडियो कर लेता हूँ, और अच्छा यहाँ मैं नेम नहीं डाल रहा, और यहाँ मैंने रख लिया जी अदर, ऐसे मैंने कर लिया। अब ये इनपुट टाइप इधर नहीं है, ये इनपुट टाइप इधर आ रही है। अब बताओ हालांकि उनके नेम सेम है, लेकिन बताओ कि क्या अब तीनों में से एक सिलेक्ट होगा कि ये सिनेरियो अलग है इसका अलग है, अलग अलग है। मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता था, ये मैटर नहीं करता कि तुमने इकट्ठे रखे हैं या अलग रखे हैं, जहां पूरे फॉर्म में नेम सेम रख दोगे वो सब एक ही पकड़ेंगे। अब इस टाइम पे ये क्या है, या तो मेल या फीमेल है जैसा मैं बता चुका हूँ, और ये भी सिलेक्ट हो रहा है, इसको भी मैं नेम PNY रख दूंगा, फिर इन तीनों में से एक सिलेक्ट हो जाएगा। ये बात समझ आई, क्लियर है? अच्छा बेसिकली नेम सेम का मतलब है, अच्छा नेम सेम चेकबॉक्स में नहीं रखना, वो तुक्की नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनती। नेम जहाँ जहाँ रेडियो में सेम रख रही है इसका मतलब है इन सब में से एक बंदा यूज़र एक सेलेक्ट कर सकता है ऑप्शन। अगर मैं नेम हटा दूंगा तो वो पहले वाला इशू जो मल्टीपल सेलेक्ट हो रहे थे, ठीक है, क्लियर है? अच्छा थोड़ा सा फॉर्म पे और इस पे बात करते हैं। ये देख रहे हो एक बंदा आया वेबसाइट पे आके उसने यूं खराब खाना खराब सारा यूं करने लग गया, ये तो काम खराब है ना, वो आ गया वहीं खेली जा रहा है, मेरा लेआउट खराब करी जा रहा है। तो
तो वो सी एस एस होता तो सी एस एस में तो लेआउट फ़र्क हो जाना था मेरा, उसमें लाइन हिल जाना था सारा का सारा। इसको मैंने रोकना है, मैंने कहना कि नहीं, जितना यूज़र दे चुका है और जितना हम बना चुके हैं साइज़ उतना ही साइज़ पे है, इससे ज़्यादा ना जाए। सो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा साइज़ ये, मैं कहता हूँ इतना ही फिक्स होकर रह जाए। आपने क्या करना है, इधर आना है, यहाँ आना है आपने, स्टाइल रीसाइज नन, रीसाइज नन से मुराद है मुझे इसकी रीसाइजिंग नहीं चाहिए। ये सी एस एस की प्रॉपर्टी है, मैंने पहले भी कहा था जहाँ बीच में थोड़ा टच दे ही जा रहा हूँ मैं सी एस एस का, जहाँ स्टाइल लव्स यूज हो जाएगा वो समझो सी एस एस। ये क्या इधर आते हैं, अब वो देख रहे हो वो तीन डॉट्स ही नहीं आ रहे लाइन, अब मैं खींच नहीं सकता इसे, फिक्स्ड है, क्लियर है। थोड़ा और काम करते हैं इसको, बटन का साइज आप स्टाइलिंग स्टाइल वो जो मैंने कल इनपुट फील्ड के लिए विड्थ हाइट नहीं बताई, आप उस तरह से सेम बटन में लगाओ चलेगा। अच्छा ये देखें, थोड़ा सा और काम करते हैं इसके ऊपर, एक बाउंड्री बना दी, एक तरह से पूरे फॉर्म के ऊपर बॉर्डर बना दी है। यार एक टैग है जिसका नाम है फील्ड सेट, फील्ड सेट क्या हमेशा फॉर्म के लिए यूज होता है, मैंने फॉर्म के सबसे ऊपर फील्ड सेट लगाया यहाँ पे और सबसे नीचे जाके फील्ड सेट बंद किया, जितना मेरा फॉर्म था वो उस सबके इर्द गिर्द क्या हो गई है, बाउंड्री आ गई। अच्छा फील्ड सेट के साथ ना एक और टैग आता है जो कि फील्ड सेट के फौरन नीचे लिखा जाता है, उस टैग का नाम है लेजेंड। लेजेंड क्या काम करता है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेजेंड काम करता है लाइन को तोड़ के उसके अंदर लिखता जा। मैं इसकी फील्ड सेट की विड्थ हाइट छोटी कर सकता हूँ, यार मैं चाहता हूँ कि ये पूरे पेज पे आ रहा है, मेरी उतनी लाइन ख़त्म हो जितना मेरा एक्चुअली फॉर्म है, तो कोई मसला नहीं। आप फील्ड सेट पे आओ, आप इधर आके उसको स्टाइल दे के उसे क्या दे दो, विड्थ दे दो, और विड्थ में से दे देता हूँ 400 पिक्सल। अच्छा थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं, इसका हम कर देते हैं 600। हाइट का तो मैटर नहीं करती ना, हाइट तो उतनी होगी जितना मेरा फॉर्म होगा, समझ आया, क्लियर है। चल ये एक छोटा आप, हाँ इसको यार एडमिशन फॉर्म को आप सेंटर में भी कर सकते हो, मैं इधर आता हूँ लेजेंड में, मैं लेजेंड में आके अलाइन क्या कर दूंगा, नहीं वो सेंटर का टैग है उसका तो कोई फ़ायदा नहीं, वो इधर नहीं चलेगा, अलाइन करना पड़ेगा हमें यहाँ, यानी इसके लिए सिर्फ एक यही प्रॉपर्टी यूज़ होगी। मैं पूरा फॉर्म सेंटर पेज के सेंटर में करना चाहता हूँ, क्या करूँ, फॉर्म के साथ दे रहे हैं, दो ऑप्शन है, या तो अलाइन कर लूँ या तो सेंटर का टैग याद है, आपका फॉर्म्स का चैप्टर क्लोज। अच्छा अब कुछ इनपुट फील्ड्स रह गई हैं, काफ़ी ज़्यादा है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट मैंने दिया ना कि यार ये कितनी ज़्यादा बताई हैं, इसमें कुछ है URL है लाइक और भी काफ़ी हैं, इसके अलावा जो बची हैं वो 5-6 और बची हैं, पिक्चर का बताया इनपुट टाइप फाइल, इनपुट टाइप फाइल ही उठाती है आपकी पिक्चर, लेकिन मैं उसको बैकएंड पे जाकर रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ। क्या आप कुछ और पूछ रहे हो, कोई भी ले सकते हैं, मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, इसके अंदर मैं लिमिटेशन नहीं लगा सकता अभी। अब ये फॉर्म है, मैं कहता हूँ अपनी पिक्चर अपलोड करो, एक बंदा मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल सेंड कर देता है, उसको रोकना ना मैंने, वो रोकना जो है वो मैं बैकएंड PHP में रोक सकता हूँ, उसे एक्सटेंशंस पकड़नी होती हैं, मैंने .jpg .png .gif या .jpeg, तो वो इधर नहीं काम होगा अभी आपका, अभी हम एक स्ट्रक्चर बस बिल्डअप किया हमने, उसको आइडिया होगा मैं क्या कह रहा हूँ बात का ना, कि अभी हम एक्सटेंशन लगा ही नहीं सकते, HTML अलाउ ही नहीं करता, क्लियर है। अरे इस पर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उस पर वैलिडेशन लगाएंगे ना, ये फ्रंट एंड है, इसको बनाएंगे तो हम इसके ऊपर लेयर्स बिछाएंगे ना, मैं यही नहीं बनाऊंगा तो फॉर्म कैसे, मैं कैसे लगाऊंगा, बंदे को ये कैसे दिखेगा,
तो ये बनाना लाजमी है. मैं वही कह के वो सारी बातें हम एक क्लास में नहीं सीख सकते, वैलिडेशन वगैरह सारा कुछ, वो हमें टाइम चाहिए थोड़ा. ठीक है, क्लियर है. अच्छा बॉर्डर क्या मतलब आप एडजस्ट कर रही हैं, आप कह रही हैं कि इसको बॉर्डर्स के सेंटर में कर दो. ये जो बॉर्डर चल रहा है आप इसकी बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी. तो वो कोई मसला नहीं है, आप ये लेजेंड ना लगाए. उनका कहना है कि ये लाइन पूरी आ जाए और उसके बीच में एडमिशन फॉर्म लिखा है, यार कोई मसला नहीं है ये. अच्छा चलो, यहाँ ना एक और बात बताता चलता हूँ, आपकी बात भी कवर हो जाएगी. एक मेरे माइंड में बात है, अब ये लेजेंड मैंने ख़त्म करना है ना. उन्होंने कहा कि हम बीच में लाइन को नहीं, तो इट्स मीन कि आप ये कोड रिमूव करोगे. आप ये कोड रिमूव ना करो, कल को जरूरत पड़े आप कमेंट कर दो. कमेंट करने का कमेंट होता है कोड को डिसेबल कर देना. फॉर एग्जांपल ये कोड मैं तुम लोगों को इस टाइम पे फिजिकली ना सिखा रहा होता, मैं खुद करके भेज देता तुम लोगों को, सेंड कर देता और साथ में कमेंट लिख के भेज देता, ये लाइन फलानी किस लिए यूज होती है, ये किस लिए यूज होती है. आपको आसानी होनी थी समझने में. कमेंट का तरीका क्या है? लेजन का साइन, एक्सक्लेमेशन मार्क, दो बार डैश, अपना कमेंट एंटर करो. बंद करना है तो दो बार डैश, ग्रेटर देन का साइन. यानी अगर मैंने इसको डिसेबल करना है तो मैं क्या करूँगा, ये देखो नीचे जितना का सारा डिसेबल हो गया. जब तक मैं उसको बंद नहीं कर देता वो काम मेरा खराब है. और अगर मैं अब दोबारा आऊं इधर वो खाई, अगर मैं इसके आगे ये देखो, अगर मैं इसके आगे लिख दूं डेफिनेटली वो नहीं शो होगा. मैंने कमेंट में किया, आपके पेज पे किधर शो हो रहा है दिस इज अ टेबल, नहीं ना हो रहा. क्लियर है कमेंट का. अच्छा अब आपकी बात है, तो सिंपल आप क्या करते कि यही कह रही थी आप, उसको अगर आप H1 में लेना चाहती हैं या साइज बढ़ाना चाहती हैं वो बढ़ा लें. ठीक है, तो ये मैंने दोनों तरीके बता दिए. आपने अगर इसको चलाना है इसको अनकमेंट कर लेना. ठीक है, क्लियर. फाइनली फॉर्म्स ओके. चलो मुश्किल तो नहीं लगे, थे ही नहीं क्या लगने, ठीक थोड़े थोड़े लगे यार. सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है याद करना. मैंने पहले भी कहा टैग नहीं याद करने हैं, नाम से हर कभी गाड़ी. हाँ आइडिया लो, याद नहीं करने. आगे तुम लोगों को मैं बूटस्ट्रैप पढ़ाऊंगा, क्या कितनी क्लासेस याद कर लो, नहीं याद करने. ठीक है नेक्स्ट यार, ये सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर करके हो गया. और क्या, मैं क्लास शुरू होने से पहले वही रटा मार के आता हूँ तो वो याद हो जाते हैं, काम कर करके हो जाते हैं सारे के सारे. ये देखें आप नेक्स्ट क्या आपका टॉपिक है, मल्टीमीडिया. अपने डॉक्यूमेंट अपनी वेबसाइट पर ऑडियो कैसे लगाना है, अपनी वेबसाइट पे वीडियो कैसे लगानी है, अपनी वेबसाइट पे मैप्स कैसे लगाने हैं, ये क्या क्या चीज़ें इसमें हम कवर अप करेंगे. अच्छा मेरे पास शायद एक ऑडियो पड़ा हो, लेकिन ऑडियो को ऑडियो लगाने के लिए सबसे पहले जो मेरे पास टैग यूज होता है वो उस टैग का नाम क्या है, ऑडियो ही नाम है. ठीक है, क्या हो गया. अच्छा अच्छा मेरे पास कोई शायद सॉन्ग बड़ा हो पिछले बैच का, एक मिनट बस. CV की प्रेजेंटेशन है उसको ऑडियो कॉल करना.
ज़रूरी नहीं है, वो तो आपके काम पर डिपेंड करता है ना कि आप कहाँ ऑडियो, ये वेबसाइट ऑडियो किधर लगे होते हैं, सॉन्ग्स की वेबसाइट पर, यूट्यूब सारा क्या यूज़ करता है, वीडियोज़, तो वहाँ तो HTML में ही डिफाइन होगा ना सारा कुछ पहले, वो बाद में उसके ऊपर है। अब यूट्यूब में आपको क्या लगता है कि जो वीडियो है वो कितनी एक हाई फाई लेवल की है, शेयरिंग है और उसकी बफरिंग कैसी है, उसकी सर स्ट्रीमिंग कैसी है, असल में पीछे टैग तो उसका वीडियो का ही लगा हुआ है ना, मेन टैग तो वीडियो का है ना, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। अच्छा तो मैं इधर आता हूँ, आज क्या डेट है 31, इधर ये एक सॉन्ग पड़ा हुआ था मेरे पास, पता नहीं कौन सा है, ठीक है इसको अप्लाई करते हैं। अच्छा इमेज लगाने के लिए IMG के बाद कौन सी प्रॉपर्टी आती थी, सेम यहाँ है, मैंने ऑडियो लिखा, सोर्स लिखा, ब्राउज किया, ब्राउज करने के बाद ये एक पड़ा हुआ सॉन्ग, इसको उठाया, यहाँ ऑडियो का टैग मैंने कर दिया बंद, ठीक है अब इसे चलाते हैं ज़रा। सॉरी एक्सटेंशन लाजमी, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा यार वेब के अंदर जितना काम कर रहे हो एक्सटेंशन लाजमी लिखनी, मैं तो .mp3 डाल दूंगा एरर दे दे, उसको नहीं पता कि ये क्या है 7 ईयर्स, ठीक है। हाँ भाई चल गए, अच्छा जी तुम बताओ क्या एरर आया, यानी क्या मेरी गलती है, ये सॉन्ग मैंने लगाया तो है लेकिन ये दिख नहीं रहा, नेम है तो सही सॉन्ग का, हाँ हाँ तुम्हें कह रहा हूँ और किसे कह रहा हूँ, वो नाम ऐसा है गैप का, ये सही है, ये ठीक है, गलती फाइंड आउट, इट्स ओके, खैर अब नहीं पता चल रहा, नहीं ऑल्ट नहीं हो सकता इसकी, नहीं ये टैग पुराना है लेकिन HTML5 में इसके फीचर डाले गए इसके ऊपर। अच्छा ये कोड मेरा सारा सही है, बिल्कुल ठीक है, मुझे एक बात बताओ, जब हमारा जो सारा गाना कंट्रोल होता है वो ऑडियो कंट्रोल, तो मीडिया प्लेयर बाहर से कंट्रोल होता है सारे ही साउंड का, क्या कहते हैं स्टॉप का, पोज का, सब कुछ मीडिया प्लेयर बाहर है। HTML में एक लफ्ज़ है, जब तक तुम ये एक लफ्ज़ नहीं ना लिख देते तुम्हारी मीडिया प्लेयर बाहर नहीं शो होगी, कंट्रोल्स लफ्ज़ लिखना है, मैं इधर आता हूँ ये ठीक है, और ठीक है स्पीकर पे चल रहा है, हमारा सॉन्ग परफेक्टली रन कर रहा है, और दोबारा से मैं उसको कर देता हूँ उसी के ऊपर, नहीं अभी नहीं करेगा क्योंकि लोकल है, मेरे लैपटॉप से फेच हुआ है, बफरिंग तो तब करते हैं ना जब आप ऑनलाइन कहीं से उठा रहे होते हो, नेट पे सुन रहे होते हो तो होता है ना, जब आप लैपटॉप में डाउनलोड करो फिर तो नहीं ना बफर होता, तो अभी कहाँ बफर होगा ये, ठीक है ना, अभी बफरिंग का कोई लॉजिक नहीं बनती, सेंस ही नहीं बनते। अच्छा ये देखो थोड़ी और बात करते हैं ऑडियो के ऊपर, मैं साउंड बंद करा लूँ। अच्छा ये मैंने सॉन्ग चलाया, ये मैं इसको ले गया एंड तक, अभी जैसे ही पूरा हो जाएगा ये रुक जाएगा, आपके मोबाइल में भी सिस्टम है ना रिपीट का, एग्जैक्टली मोबाइल में भी होता है ना कि कोई गाना अच्छा लग जाए या कोई चीज़ अच्छी लग जाए आप ऑन रिपीट लगा देते हो, इधर भी एक कंट्रोल है जिसका नाम है लूप। लूप से क्या होगा, आप अब ये सॉन्ग ऑन रिपीट हो जाएगा सारा का सारा, ये एंड तक भी चला जाएगा ना अगर, तो ये स्टिल रिपीटिंग पे है सारा का सारा सॉन्ग, ठीक है। तो ऑडियो अच्छा हम लूप को नंबर दे सकते मिसाल के तौर पे, नहीं ये यहाँ नहीं दे सकते, बड़ी चीज़ है। अच्छा जो मैं कह रहा हूँ ना कि नहीं दे सकते वो डेड शोर है, हम इधर नहीं दे सकते, ठीक है नहीं, वो हम इसकी वैलिडेशन GS में कर सकते हैं कि GS में हम उसको पकड़ सकते हैं कितनी बार उसने रिपीट होना है, बस डेट्स इट। जे आपने देखा YouTube ने नया फीचर निकाला है अपनी कस्टम प्लेलिस्ट ऐड करने का, ठीक है लाइक वो सारा GS का काम है, ड्रॉप जोन का काम है, GS की फाइल है
तो HTML सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहा है, डेट्स इट, और कुछ नहीं काम कर रहा. अच्छा ये देखो यार, ज़रूरी नहीं है कि यही वाली मीडिया प्लेयर बार ये गूगल क्रोम ब्राउज़र का अपना प्लगइन है. आप यही कोड मोज़िला में चलाओगे कोई और तरह की मीडिया प्लेयर बार आएगी, ओपरा में चलाओगे कोई और तरह की आएगी, सफारी में चलाओगे कोई और तरह की आएगी, यूसी ब्राउज़र में चलाओगे कोई और तरह की आएगी. ठीक है, ये क्रोम की अपनी मीडिया प्लेयर बार का डिज़ाइन है. अगर हम कोई अपना मीडिया कैनवस, उसका एक टॉपिक है जेएस का कैनवस, वो जीएस का है. ये देखो कैनवस इन जावास्क्रिप्ट, ये टॉपिक है बेसिकली. मैंने आपको पहले भी बताया था शायद इस टॉपिक का, जब मैंने स्माइली बना के दिखाई दी थी मैंने बताया था. तो ये इसके अंदर ना डिज़ाइन की जाती हैं सारी की सारी मीडिया प्लेयर बार्स. तो ये इसका टॉपिक है जीएस का. अच्छा अब बात करते हैं वीडियो की, जहाँ ऑडियो के लिए आपको कौन सा टैग है और वीडियो के लिए कौन सा होगा. हाँ नहीं तो इसके ना कंट्रोल्स है. अच्छा मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि आप लोगों को मैंने लिस्ट वगैरह काफ़ी प्रोवाइड करनी है, एसेट प्रोवाइड करना है, वो मैं अभी सारा करके दूँगा जिसके अंदर. अब आप लोगों को मुझे क्या क्या सेंड करना है, एक आप लोगों को हेल्पिंग मटीरियल सारा सेंड करना है, बुक जो मैंने कही, उसके बाद इसकी लिस्ट सेंड करनी है, और कुछ रहता तो नहीं है. आपने जिस तरह से मुझे कल कहा था सबसे एंड पे, वो मैं चीज़ें कुछ सेंड करूँगा आप लोगों को, वो हेल्पिंग मटेरियल वही एग्जैक्टली. मैं ज़रा हेल्पिंग मटेरियल कुछ सेंड करता हूँ एज अ बुक है, उसको भी रीड आउट करना शुरू कर दो. यानी ये होगा कि उसके अंदर मज़ीद कुछ चीज़ें और आपको मिल जाएंगी. हाँ वही जो कल मैंने आपको जिस तरह से बताया था सारी बात, वो कल मैंने जो बताई थी बात आपको. अच्छा ये देखें, वीडियो के लिए तीन टैग हैं, ठीक है, वीडियो के लिए तीन टैग है. सबसे पहला जो टैग आता है वो आता है वीडियो के नाम का, और सबसे चीप टैग है, वर्ड्स बेकार तरीन. रीज़न क्या है, क्या होगी रीज़न नहीं पता. अच्छा रीज़न पता क्या है, सबसे पहली बात है ये ऑनलाइन वीडियोस को इतना स्पॉट नहीं करता अच्छा खासा. दूसरी चीज़ ये सारी वीडियोस की एक्सटेंशन नहीं सपोर्ट करता. आपको पता है वीडियोस की कितनी ज़्यादा एक्सटेंशन है, MP4, AVI, MKV, ट्रैक तो वो है जिसमें आपको मैं वीडियो देता हूँ, आपने नोटिस किया होगा. अब कितनी ज़्यादा है, वीडियो का टैग आप लोगों ने नहीं यूज़ करना इतना ज़्यादा. अगर आप वीडियो का टैग लगाना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, उसका डेमो बेसिकली ये देखो. ये मैंने वीडियो लगाया, सेम वही है, मेरे पास कोई वीडियो नहीं पड़ी, लेकिन मैं खैर ऐसे लिख रहा था वीडियो डॉट MP4, ये वीडियो लिखा है यहाँ. अगेन वही सारी बात है, ये नज़र आएगा तुम लोगों को, क्यों नहीं आएगा बोला, क्योंकि कंट्रोल्स लव्स ने लिखा, वीडियो पढ़ी की बात नहीं है. एक स्ट्रक्चर तो बना देगा ना, बेशक अब सॉन्ग होता तो वो लोड होके प्ले हो जाना था, लेकिन उसने स्ट्रक्चर तो बिल्डअप किया ना. अब सेकंड एक और ये बात है कि मैं इसकी विड्थ हाइट भी बड़ी छोटी कर सकता हूँ. मैं इधर आता हूँ, इसकी विड्थ में कर देता हूँ 300, हाइट में इसकी कर देता हूँ वो भी 300. आप बॉक्स फ्रेम जो है उसको रीसाइज कर सकते हो सारा का सारा. बातें क्लियर हुई, ये सब आएगा असाइनमेंट में. प्रॉपर एक वेबसाइट किस तरह से बिल्डअप करनी है, सारी की सारी चीज़ें आएंगी. आप इस तरह से कह रहे हो, और अगर मैं इसको छोटा करूं तो मैंने पहले भी कहा है परसेंटेज जहां यूज़ करोगे वो एडजस्ट कर दे. ये मैंने पिक्सल में लिया था तो काम ख़राब था मेरे, ठीक है. अच्छा YouTube आपने देखा है, अक्सर वेबसाइट पे YouTube की वीडियोस लगी होती हैं, एम्बेडेड होती हैं ना,
अब चलो किस तरह से करना है वो एक ट्राई कर लेते हैं कि YouTube की कोई भी वीडियो मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर कैसे लोड करनी है। एक तो होगा ना तुम डाउनलोड कर लोगे, वो तो चलो काम ही बिल्कुल तुमने वाइंड अप कर दिया कि डाउनलोड करके अपने सर्वर पे लोड करके ले आया। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ एक वीडियो लेता हूँ जी HTML, चलो ये लगा लेते हैं लर्न HTML इन 12 मिनट। तुम लोगों ने 4 लेक्चर लगा दी, अगला 12 मिनट में सिखा देखो ऊपर 60 वाला भी ठीक है, लेकिन ये 8 साल पुरानी वीडियो है ठीक है। चलो इसका लिंक लगाते हैं कैसे किस तरह से करना है। Hey there, are you a software developer that's looking to move to Canada or to Europe? Click here now to join that hack and get boosted. अच्छा ये वीडियो है, आप लोगों ने शेयर का बटन देखा, मोबाइल्स में भी होता है ना, मैं इसको क्लिक किया, उसके बाद आप लोगों के सामने सबसे पहले नंबर पे एक ऑप्शन आ रहा होगा एम्बेड का। जैसे ही आप एम्बेड पे क्लिक करते हो आपको साइड पे पूरा कोड दे देगा, ये कोड आप लोग कॉपी करो और अपनी वेबसाइट के अंदर जाके आप लोग पेस्ट कर दो। ये मैं इधर आता हूँ, इधर पेस्ट किया और मैं इसकी विड्थ को कर देता हूँ, हाइट हम इसकी थोड़ी बढ़ा लेते हैं, हम 315 की जगह इसको क्या कर लेते हैं, सो क्लियर है मेरा स्पीकर, मैंने उसका मोड चेंज किया है, मुझे प्रॉपर चल रही है वो। अब वही तो मैं बात कर रहा था, ये नेट से आ रही है, ये इंटरनेट से आ रही है। बैकएंड पे कहाँ मिला आप मुझे तो, बैकएंड पे किधर कह रहे हो सेव होने का, फॉर्म के ऑनलाइन है ना, मेरा सोर्स नहीं है, मैं थर्ड पार्टी से लेके आ रहा हूँ ना यार, बफरिंग सिर्फ ऑनलाइन चीजों नहीं। एम्बेडेड, एम्बेड का क्या मतलब होता है, रेफरेंस लिंक, एम्बेड अंदर हमने इंप्लीमेंट किया हुआ है, ये एम्बेडेड लिंक है। एम्बेडेड से मुराद है मैं किसी की वेबसाइट का हवाला दे रहा हूँ अपनी वेबसाइट, तो अगर मैं किसी की वेबसाइट का हवाला दे रहा हूँ तो ये डायरेक्ट यहाँ लोड हो रही है, मैंने डाउनलोड नहीं की, मैंने एक लिंक उठा के कॉपी किया बस, डेट्स इट ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा उसके बाद ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसकी अपनी YouTube की, इसके अंदर देख रहे हो ऑटो प्ले, अगर ये मैं लफ्ज़ ख़त्म कर देता हूँ ना फुल होगी। आप लोगों ने अक्सर देखा YouTube पे एक वीडियो ख़त्म होती है दूसरी खुद ही लोड होना शुरू हो जाती है, वो हर वीडियो पे ऑटो प्ले लगा होता है, आपकी मर्जी है कि खैर यहाँ मैटर भी नहीं करता ऑटो प्ले। उसके बाद ये एनक्रिप्टेड मीडिया ग्रे जो आपका ग्रोस्कोप है, ये पिक्चर इन पिक्चर, अच्छा ये पिक्चर इन पिक्चर क्या फीचर है YouTube का, ये वैसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ भाई मुझे बात बताओ दोबारा से सुनो, YouTube का पिक्चर, WhatsApp अपडेट किया तुम लोगों ने, जब WhatsApp पे आजकल तुम किसी को वीडियो का लिंक भेजते हो वो वीडियो वहीं YouTube की खुल जाती है, उसका चैट बॉक्स में खुल जाती है, ये नया फीचर इन्होंने डाला पिक्चर इन पिक्चर, और वहाँ लिखा भी आ रहा होता है, लिखा आ रहा होता है ना पिक्चर इन पिक्चर, कभी अब टेस्ट करना, लिखा आ रहा होता है। तो ये पिक्चर इन पिक्चर का मतलब है ये बाकी वेबसाइट्स मेरी यूट्यूब की वीडियो वहीं प्ले कर सकते, नहीं तो हम पहले क्या करते थे YouTube पे अलग से जाते थे ना, तो ये फीचर इन्होंने नया डाला, क्लियर हुआ। अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि मैं किसी वेबसाइट का रेफरेंस अपनी वेबसाइट में दूँ, आई फ्रेम का काम, ये देखा आप लोगों ने जो मैंने कोड उठाया है वो आई फ्रेम में उठाया है। अक्सर आप YouTube की वीडियोस के कोड देखोगे आई फ्रेम में, अक्सर आपको नज़र आ जाएंगे एम्बेड के टैग में। एम्बेड का टैग भी क्या होता है, YouTube या कोई भी वीडियो ऑनलाइन प्ले करने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों के काम यही है, लेकिन आई फ्रेम के मजीद काम है। आई फ्रेम का एक तो ये काम हो गया, चलो हम ना कोई ना एचआर लगाया, लाइक कोई भी वेबसाइट
मैं अपलोड करता हूँ आई फ्रेम एसआरसी के अंदर मैंने लिख दिया https विकिपीडिया ले लेते हैं डॉट इसको मैं विड्थ दे देता हूँ चलो इसको 100% ही दे देते हैं और हम इसे हाइट जो है वो कितनी दे देते हैं इसका फ़ायदा क्या है कि आप किसी की वेबसाइट को अपने वेबसाइट में लोड कर सकते हो अब मैं यहीं बैठा बैठा तुम्हारी वेबसाइट पे विकिपीडिया यूज़ कर सकता हूँ और इधर ही सारा विकिपीडिया यूज़ होगा इससे फ़ायदा क्या होगा कि मेरे विजिटर शायद बढ़ जाएं माइट भी कि मेरी वेबसाइट पे रहते हुए ही वो वेबसाइट को यूज़ कर अक्सर देखा नहीं कभी इस तरह से किसी और वेबसाइट्स के लिंक लगे होते हैं लेकिन आपको एक बात बताऊं फेसबुक देखिए कभी किस इस तरह से चलो मुझे ये बताओ कभी इस तरह से किसी की वेबसाइट में देखिए फेसबुक अगर तुमने देखी होगी वो देखी होगी एकदम से पॉपअप खुलता है विंडो का छोटा सा उसमें देखी होगी लेकिन कभी इस तरह देखिए फेसबुक यूट्यूब देखिए कभी इस तरह से किसी की वेबसाइट के अंदर फिट होकर चल रही हो नहीं ना देखी ये सिक्योरिटी रीजन है मिसाल के तौर पर मैं इधर आता हूँ अलाउ नहीं करता है फेसबुक यूट्यूब ये लोग अलाउ नहीं करते अपने आप को ये सिक्योरिटी रीजंस हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये चीज़ को ब्लॉक किया है मैं दोबारा इधर आता हूँ लोड हो रही है इससे तो फिर हैकिंग भी हो सकती है अगर अलाउ करते हैं तो उसी तरह का पेज बना के लगा ये देखो क्या लिखा है फेसबुक रिफ्यूज़ टू कनेक्ट वो कहता फेसबुक कह रहा है मैंने नहीं कनेक्ट होना तो कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके सिक्योरिटी रीजंस हैं ये जो बड़े बड़े जाइंट बैठे हैं मार्केट के अंदर ठीक है तो ये अपने आप को लाओ आपने कभी देखा भी नहीं होगा इस तरह से क्लियर है बातें क्लियर है सारी सेकेंडली एक और चीज़ आती है इसके लिए आई फ्रेम के टैग के मजीद काम है खुद सिक्योरिटी वो मुझे अपने प्रोटोकॉल्स ये सारे प्रोटोकॉल्स डिफाइन करने पड़ेंगे लाइक HTTPS लेके फिर उसके अंदर जाके मुझे प्रोटोकॉल्स डिफाइन करने पड़ते हैं एग्जैक्टली नहीं जिनसे नहीं आप अपने आप को अलाउ नहीं करते किसी पे जाना लाइक अब फेसबुक ने सारी वेबसाइट को रजिस्टर थोड़ी किया फलाने फलाने में उसने अपने आप को इतना सिक्योर बना लिया प्रोटोकॉल्स के जरिए कि वो नहीं अलाउ करता क्लियर प्रोटोकॉल्स का आपका सबसे एंड पे मॉड्यूल है HTTP मैंने बताया था ओरिएंटेशन में आपका मॉड्यूल है सबसे एंड पे जाके प्रोटोकॉल्स का अच्छा ये देखो फिर हम थोड़ा सा मैप भी इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं आपको पता है आपको दो तरह से मैप सिखाऊंगा एक तो अभी बताने लगा एक हम जावास्क्रिप्ट में जाके सीखेंगे कस्टमाइज मैप कस्टमाइज में क्या होगा मैं बड़ी चीज़ें मैं आपकी टाइप बदल सकता हूँ मैं अपनी डेस्टिनेशन वगैरह बड़ी चीज़ें आती हैं उसके अंदर वो सारे के सारे कैनवस के काम है बेसिकली वहाँ थोड़ा कैनवस पढ़ेंगे हम अच्छा ये देखो चलो कोई लोकेशन पकड़ते हैं और उस लोकेशन को ना यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं कि अपनी वेबसाइट में आपने अक्सर देखा होगा फाइंड अस और नीचे मैप आ रहा होता है चलो मुनाल को ही पकड़ते हैं भाई ये आपका आ रहा है मुनाल मैंने इसका लिंक पकड़ना है आपको क्या लग रहा है ये यहाँ से कॉपी कर लें हम यहाँ से नहीं करना ये देख रहे हो शेयर ठीक है इधर में आया ये क्या लिखा आ रहा है ये एम्बेड मैप कॉपी किया पूरा लिंक कॉपी किया मैंने मैं इधर आया लिंक लगाया सॉरी ठीक है और उसके बाद मैं इसको अगर विड्थ देना चाहता हूँ तो मैं इसे 100% दे देता हूँ हाइट देना चाहता हूँ तो मैं उसे 300 दे देता हूँ 350 मैं इधर आता हूँ
इसको रिफ्रेश किया हमने और एग्जैक्टली मुनाल की लोकेशन ही मुझे दिखाएगा प्रॉपर मैप को, मैं नेविगेट कर सकता हूँ जहाँ मैं करना चाहता हूँ उसको। ये सारा आपका मल्टी मीडिया में शामिल होता है काम। आइडिया हुआ आप लोगों को? क्लियर ये चीज़ें? यस सर। फाइनली आप लोगों का HTML एंड हो गया, आपका एक टॉपिक ख़त्म हो गया, ठीक है। अब HTML के अंदर इसने चलते ही जाना, अब CSS में लगना है, JS में लगना है, jQuery, Bootstrap, PHP, Laravel, Angular, Node, React, सब में इसने लगना है। तो हम इसको यहाँ तक कट नहीं कर सकते, चलना ही है, ठीक है। क्लियर है सबको? ओके है? लाइक बॉडी कर लें पूरी, ये देखें। अच्छा मैं बताता हूँ आप लोगों को एक चीज़ है, ये देखिए दादा, जस्ट मिनट, ये एक इमेज है। इसको जो मैंने अभी काम नहीं किया फॉर्म वाला, चलो फॉर्म वाला, उसके बैकग्राउंड पे पुट करना। मैं क्या करूँगा कि इसको कॉपी करूँगा यहाँ से, अपना जहाँ फोल्डर है जहाँ मेरा काम हो रहा है ये यहाँ यहाँ पेस्ट किया, और मेरा जो था वो फॉर्म वाला डॉक्यूमेंट वाला कौन सा था, ये इधर मैंने आना, ये क्या लिखा है, कर दिए, इधर आया, सॉरी दूसरी इमेज है, नहीं मैंने अब यही मसला मैंने बताना था, खैर जो आप लोगों ने देखा है। अच्छा नहीं, मैंने लोड गलत जगह से आई थिंक किया, एक मिनट और, लोड गलत फोल्डर से किया मैं कह रहा हूँ, नहीं आप लोगों का यही है और यही इमेज है, इमेज दूसरी है, इमेज है ये वाली, हाँ इमेज गलत कॉपी हुई थी। टेबल के टैग के अंदर पूरी बॉडी पे लगाना चाह रहा हूँ ना मैं, पूरी बॉडी पे कह रहा हूँ, वो तो मैं बताता हूँ कि आपको बैकग्राउंड पे कैसे लगी, वो डिव होता है, डिव को बैकग्राउंड URL दो, वो आपकी इमेज पुट कर लेगा सारी की सारी। बस ये आ गई आप लोगों की CSS, ये रोले जो भी आ रहे हैं ना आप लोगों को ख़त्म हो जाएंगे। कौन सी थी ये वाली थी? सबसे पहली बात, इसको रिफ्रेश करने से पहले मेरी बात सुन लो, ये जो इमेज थी ये छोटी थी तो वो रिपीट हो गई, उसने अपना विड्थ तो पूरी करनी थी ना, ये इमेज एक तरह से फिर रिपीट हो गई है, देखो रिपीट हो रही है, यहाँ से रिपीट हो रही है। अब अगर मैं इससे भी बड़ी रेजोल्यूशन की इमेज ले आऊँगा ना, वो कट जाएगी, साइडों से कट जाएगी। इसके अंदर CSS की प्रॉपर्टीज लगती हैं, रीसाइज नन है, आपका बैकग्राउंड कवर है, नो रिपीट होता है, बड़ी चीज़ें होती हैं वो लगती होती हैं इसके अंदर सारी की सारी। लेकिन अगर आप HTML में हाथ में रहते हुए लगाना चाहती हो तो ये एक तरीका, वाटर मार्क टाइप कह रही हैं वो, बेसिकली असल में वेबसाइट्स में उन्होंने वाटर मार्क आपको लग रहा होता है लेकिन वो पीछे बैकग्राउंड इमेज लगाई होती है, असल में वो आपको लगता है कि फेड हो गया, वो एक्चुअली में वो एक, आप अगर कोई मुझे वेबसाइट दिखाएं तो मैं आपको उसका कोड इंस्पेक्ट करके दिखाऊं कि ये फलानी जगह पे जाके इन्होंने देखें इमेज लगाई हुई है, PNG वाले ट्रांसफॉर्म, लेकिन बस वो क्या करते हैं इमेज बनवाते हैं और उसको बैकग्राउंड में लोड, वो बनती ऐसी है कि वो हमें लगता है कि यार ये वाटरमार्क आ रहा है, एक्चुअली वो इमेज होती है सारे के सारे, हाँ एग्जैक्टली वो HTML में। आप मुझे लाइक कोई इस तरह की इमेज हो तो मैं एज अ वाटरमार्क उसको पकड़ लूँ, लाइक ये देखें, अब बेसिकली ये देखें,
अब वो अगर उस तरह की इमेज पड़ी है तो कोई मैं दिखाता हूँ आपको, लाइक इस तरह से कह रही हैं, क्या इस तरह से बैकग्राउंड पे होता है या इस तरह से होता है, तो कोई मसला नहीं है, ये वही है यार। आप इसको जाके आप उसके अंदर जाके लोड कर दो जिस तरह से मैंने की हुई है। तो मैं इधर आता हूँ और मैं इधर आके आपके वेब पेजेस के अंदर अगेन कर देता हूँ। तो वही बात है, मैं इसको पकड़ के इमेज को दूसरी को लोड कर दूंगा। अब ये फिर वही मसला रिपीट हो रही है, इसको मैं हैंडल कर लूंगा CSS में जाके, सारा हैंडल हो जाएगा। लाइक आप जो कह रही हो मेरे पास इमेज नहीं है उस तरह की है, वो एक्चुअली आइडिया यही है, मैं समझ क्यों ठीक है, इमेज ही है वो, और जो मैं आपको जो तरीका बताया एक्चुअली वो ही है। हाँ भाई, क्लियर हुआ सारा? तो भाइयों तुम्हारी HTML ख़त्म हुई है, ठीक है। तो div एक टैग है, उस div को बैकग्राउंड URL दूंगा, ठीक है। ये क्या कह रहा हूँ मैं, वो आइडिया हो रहा है ना इनको आइडिया। अच्छा, सबसे बेस्ट लेवल का काम है डिफ का, हम आ जाएंगे उसके ऊपर कल ही, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता बस एक दो अगले हफ्ते आपको ये सारे मसले क्लियर हो जाएंगे, मैं एक लेक्चर में नहीं बता सकता सारा कुछ। फॉर्म के बैकग्राउंड मैं खाली फॉर्म पे भी तस्वीर लगा सकता हूँ यार, तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हें तस्वीर लगा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। जस्ट CSS तक आने दो, क्लियर है। HTML में जस्ट हम स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे बस, सिर्फ स्ट्रक्चर बिल्ड अप करना है, लेकिन जो एडिशनल काम है वो हम CSS में जाके करेंगे, ठीक हो गया। इससे ज़्यादा HTML है ही नहीं कुछ, बिलीव करो, आप नेट पे सर्च मार लो यार, असल काम तो अब शुरू होगा तुम लोगों का CSS। ये तो एक बस एक कह लो कि एक किक स्टार्ट था आप लोगों का। अच्छा, शुरू करते हैं फिर उसका CSS का। अच्छा, फॉर्म की असाइनमेंट नहीं देखोगे? तीन कल की हैं। अच्छा, तीन कल की हैं ना, और दो ये हैं, कितनी होगी टोटल? क्या पता कल भी मिल जाए, क्या पता ना मिले, तुमने नहीं आना तो फिर आई नहीं, तुम आओगे तो मिल जाएगी। अच्छा, फ्री हो ना आजकल सर? आपका तो मुझे पता है, इसका नहीं यार, ये कुछ भी नहीं है, ये आधे आधे घंटे की मार है सारी सॉन्ग्स। एग्जैक्टली कह रहा हूँ, अगर आप अपने वे से जैसे मर्जी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो ना, जैसे भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो ना आप, वो आपके ऊपर है, आपको अगर वैसे बेटर लगता है आप करो, कोई मसला नहीं। अच्छा, एक ये बनाना है, ये तो इतना आसान है कि इससे बेहतर तो मैंने बना लिया, ऐसा ही है ठीक है। और एक ये बनाना, आसान है, बन जाएंगे ठीक है। अभी नज़र नहीं आ रहा, मैं सेंड करूँगा, क्लियर हो जाएगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन एडमिशन फॉर्म, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट पे ही होता है। मैं आप लोगों को अभी मैंने बताया वो बाय डिफॉल्ट किधर आया था, लेफ्ट पे आया था ना, वो तो मैंने सेंटर में किया उसे, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट पे आया, यानी समझ लो तुमने लेजेंड लगा के छोड़ देना। फील्ड सेट हो जाएंगी दोनों,
तुम लोग कह ही नहीं रहे कोई की चीज मुश्किल है मुश्किल है कहते हो तो कल आ जाते आपका HTML है आपका CSS है आपका JavaScript है फिर आपका JQuery JavaScript अच्छी खासी लैंग्वेज है मैंने आपको पहले ही बताया था मैं अगर तुम लोगों को कहता हूँ कि JS छोड़ दो JS के साथ JQuery में कर लें सर उसी का तो फंक्शन मैं बता तो रहा हूँ JavaScript के फौरन बाद हम JQuery कर लेंगे यानी मैं चलते ही JS के अंदर से ही उसके एक रूट को पकड़ लेंगे हम JQuery को मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्लियर है अच्छा जी CSS की सबसे पहली बात है पता ना सबको यूज़ की होती है स्टाइलिंग के लिए साइजिंग पोजिशनिंग मार्जिन स्पेसिंग एनिमेशन ट्रांजिशन मेन्यू बार्स ड्रॉप डाउन मेन्यू बार्स कैसे बनाने हैं आपकी कौन सी चीज़ पेज के किस साइड पे आएगी एक एक इंच एक एक सेंटीमीटर का हिसाब किताब वो सारा आप इधर ही जाके करोगे CSS के अंदर अब CSS की फुल फॉर्म क्या होती है स्टाइलिंग नहीं है स्टाइल शीट है हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा वर्जन पढ़ रहे हैं मैं बताऊंगा हम थर्ड ही क्यों पढ़ रहे हैं हम पुराना क्यों नहीं पढ़ रहे या कोई इस तरह से क्यों नहीं पढ़ रहे क्लियर इस एनिमेशन और ट्रांजिशन आई ही इसके अंदर थी इससे पहले थी ही नहीं सबसे पहले हम देखते हैं CSS की कितनी टाइप्स हैं एक मिनट ऐसे चार्ज पे लगाना शुरू चार बजे नीचे हो हाँ रुक जाओ पढ़ तो लो कहीं नहीं भाग रहा हो ठीक है तो करवा लेते हैं उससे ना कोई मसला नहीं कर देता हूँ मैं कर देता हूँ मैं कह रहा हूँ कि IT वो बैठा हुआ है सारे उससे कर लो नहीं तो मेरे पास ले आना कोई मसला नहीं है मैं कर दूँगा मुझे कोई मसला नहीं अच्छा जी इसकी वायर ही ख़राब है चलो छोड़ो इसको एंड्रॉयड की अच्छा चलो ये देखो इट्स ओके फेयर इधर यार सुनो जरा आपका CSS तीन तरीके से लग सकता है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे पहले इनलाइन है इंटरनल है एक्सटर्नल है पहले वाला तुम कवर कर चुके हो ऐसा ही है चलो लेकिन फिर भी देखते अच्छा मैं दो चीज़ों को अभी लेके चलते हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक कलर कैसे चेंज करना है एक टेक्स्ट का साइज़ कैसे बढ़ाना है कल हम देखेंगे काफ़ी बेशुमार प्रॉपर्टीज CSS की लेकिन अगर अभी सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिर्फ दो चीज़ों को पकड़ता हूँ और उन्हीं को लेके चलते हैं इन लाइन का क्या मतलब है विद इन अ लाइन इन लाइन वही तरीका है जो मैंने तुम लोगों को स्टाइल से बताया ये क्या लिखना है कलर कलर में कोई भी लगा लेता हूँ यहाँ इसको अब मेरी बात सुनो यहाँ एक चीज जरा गौर से सुनना ये मैंने एक प्रॉपर्टी लगाई है अभी तक तुम लोगों को मैंने जितना बताया उसके अंदर मैंने एक ही प्रॉपर्टी को अप्लाई करना सिखाई ऐसे ही है एक से ज्यादा नहीं ना बताई अब जैसे ही मैंने अगली अप्लाई करनी है उसके अंदर
अब सिर्फ हालांकि ये चीज़ तो हमने पहले भी पढ़ ली है, फिर बताने का फ़ायदा क्या है? सिर्फ एक चीज़ को मैं डिफ्रेंशिएट करना चाह रहा हूँ, वो ज़रा गौर से सुनना मेरी बात। जब मैं इस पर आता हूँ, ये दोनों चीज़ें चल गई, साइज़ भी बड़ा और कलर भी लग गया। यार जब भी तुम लोग एक प्रॉपर्टी लिख लोगे ना, उसके बाद सेमी कोलन लास्ट में लगा। अगर तुम ये नहीं लगाते, इसका नुकसान किया ना अगली प्रॉपर्टी चलेंगी ना पिछली, कोई प्रॉपर्टी नहीं चलेगी। सेमी कोलन को कहते हैं टर्मिनेटर, ठीक है? टर्मिनेटर क्या करता है, पूरा पेयर बनाता है। अब देखो, जैसे ही मैंने सेमी कोलन लगाया, मैंने स्पेस दी, वो समझ गया कि इस बंदे ने दोबारा से कुछ लिखना है, क्योंकि मैंने सेमी कोलन लगाया। अगर मैं सेमी कोलन नहीं लगाता, स्पेस देता हूँ, वो मुझे सी एस एस की सजेशन नहीं दे रहा। ऐसा ही है सेमी कोलन। अच्छा, हमेशा याद रखना एंड वाले पे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो किसी ने आना ही नहीं है। तो इस पे लगाओ या ना लगाओ, ये आप लोगों की मर्ज़ी है, फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हटा भी दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके बाद किसी ने नहीं आना। इन लाइन में सिर्फ एक छोटी सी ये बात बतानी थी, बाकी तुम लोगों ने इन लाइन कवर कर लिया हुआ। हाँ भाई, समझ आए? क्लियर? बाकी से मुराद है सिंटेक्स वगैरह। सिंटेक्स वगैरह आपने कवर अप कर लिया हो ना, लाइक ये तो हम कब का देखते हैं स्टाइल क्या होता है ये वो। फिर क्या आता है आपके पास? इंटरनल। इंटरनल होता है बेसिकली विद इन अ लाइन। ये देखें, अच्छा इसको देखने से पहले, सबसे पहले ना मुझे ही बता दो क्या बात कर। अच्छा ये देखो, इंटरनल देखने से पहले ना, सबसे पहले इसका सिंटेक्स देख लो, ये लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले हम जो इनलाइन में काम कर रहे थे, वो हम किस तरह लिखते थे, स्टाइल लव्स लिख के, ये हमें बता देता था कि हम स्टाइलिंग यूज़ करने जा रहे हैं। अब इंटरनल है तो हमेशा याद रखना ये किस में आएगा, हेड से बाहर नहीं लिखा जाएगा। सेकंड स्टाइलिंग है तो इसके लिए सबसे पहले जो टैग आएगा वो कौन सा आएगा, ये आएगा। ये सिंटेक्स याद है, हेड से बाहर नहीं जाना। और स्टाइल है, इसके बाद आपका जो सिंटेक्स है वो क्या है, ये सिंटेक्स है। चलो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली, जरा देखते हैं कि किस तरह से काम करना है। सिलेक्टर आता है प्रॉपर्टी वैल्यू पे है, और फिर बंद। दोबारा से एक पी लेते हैं, ठीक हो गया। अब अगर मैं इधर ही इसको स्टाइल देके काम शुरू कर दूँ, वो तो इनलाइन हो जाएगा। अच्छा, एक ही काम करने के तीन तरीके दिए हैं, कोई ना कोई वजह होगी तो तीन दिए हुए हैं, वो मैं अभी एंड पे बताता हूँ, जब मैं एक्सटर्नली बता दूँगा कि डिफरेंस क्या है इन चीज़ों के अंदर। इधर आया, हेड ही चल रहा है ना मेरा, हेड के अंदर मैंने कौन सा टैग लगाया, स्टाइल का। अब ये ज़रा देखो, सिलेक्टर कहते हैं जिस पर काम किया जाएगा। तो अभी मैंने किसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है, पी की। सिलेक्टर होता है जिसके ऊपर आपने स्टाइलिंग लगानी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बेसिकली आपका प्रॉपर्टी वैल्यू वाला पेयर, कलर। कलर में आप कोई भी कलर लगा लो इसको, यहाँ आप प्रॉपर्टीज देना शुरू कर दो, लाइक फ़ॉन्ट का साइज जो मैंने पहली प्रॉपर्टीज दी हैं। अब ज़रा काम साफ सुथरा हुआ है कि नहीं, अगर रिज्यूम करो कि अंदर 15-20 प्रॉपर्टीज लगनी होती, इन लाइन में गंद नहीं मच जाना। इंटरनल में क्या होगा, थोड़ा ज़रा क्लीन हो जाएगा काम हमारा। अब अगर हम इसको देखें तो ये प्रॉपर चल रहा है। इन लाइन में ये है कि तुम जितने मर्जी टैग्स ले लो, तुम्हारी मर्जी है। मैं H2 ले लेता हूँ और उसके अंदर लिख लेता हूँ जी मैं सैम्पल टेक्स्ट।
पूरा पूरा पेयर बनेगा, मैं H2 का अलग से पेयर बनाऊंगा, मैं जस्ट इसका कलर चेंज करके ठीक है पूरा पूरा अपना अपना पेयर है इसका। अब मुझे तसल्ली से पहले सोच के बताओ इंटरनल में कोई क्वेश्चन है किसी को, ये किस तरह से लगेगा, क्या होगा, सबको क्लियर है? तुम कहते हो तो मान लेते। सिलेक्टर होता है जिसके ऊपर आपने स्टाइलिंग लगानी पैराग्राफ पे उसी पे अप्लाई होता है। अब मैं यही बोलने लगा था, अभी ये सवाल मुझे पता था सवाल आ जाना, आईडीज पे बात आती है अभी, हम टाइप्स पढ़ेंगे सिलेक्टर की। मैं एक एक पी को पकड़ के अलग अलग से डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, ठीक है कोई मसला नहीं है। अच्छा लास्ट वाला हमारा एक्सटर्नल सीएसएस, हम इधर आते हैं। किधर जा रहे यार? वो कुछ लोगों ने ना ड्रीम वीवर को टैग करवाना था, तो जरा देख रहे हैं उनको, दो तीन लोग कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, जा कहाँ रहे हो? संदे ये सीधी फिरोजपुर रोड जाती है, तो मैं कर देता जा निकल जा। सैंपल टेक्स्ट एक्सटर्नल सी एस एस को कवर अप करने के लिए। अच्छा इसका नाम है एक्सटर्नल सी एस एस, तो इसका मतलब है कि इस फाइल में तो नहीं ना लगेगा, ये अलहदा से फाइल बनाई। मैं इधर आता हूँ, इधर आके ये देखो ये क्या लिखा आ रहा है, इसको सिलेक्ट किया, ये जो कुछ भी लिखा आ रहा है मिटा देना, कोई फ़ायदा नहीं इसका। करेक्टर सेट कोडिंग स्कीम थी UTF-8, ठीक है। अच्छा अब उधर क्या पढ़ा हुआ है मेरे पी, तो मैंने क्या लिखा यहाँ, सिंटेक्स वही है, सिंटेक्स सारा का सारा वही है। मैं इसको क्या दे दूँगा, कलर दे दूंगा, कलर दे के हम इसको कोई भी कलर फलाना फलाना दे देते हैं। और इधर आते हैं हम फॉन्ट के साइज़ को हम इसको दे देते हैं 40 पिक्सल। चलो और अब इसका कुछ भी नाम रखना, लेकिन एंड पे क्या लिखना, जिस तरह HTML का बताया था ना मैंने सारा, कुछ भी नाम रखो लेकिन एंड पे लिखो .css। तो क्या चल जाएगा ये? लिंक नहीं किया मैंने, ये फाइल पड़ी हुई है अलग, वो फाइल पड़ी हुई है अलग, उस फाइल को पता ही नहीं है कि ये मेरी स्टाइलिंग किधर पड़ी हुई है। तो मुझे इनको लिंक करना है, मैंने इसको इसके साथ लिंक करना है। एंकर टैग लगा के .css की, इसके लिए एक स्पेशल टैग यूज़ होता है जिस टैग का नाम है लिंक का टैग, सिंगल टैग है, कोई पेयर नहीं है इसका। एंकर लगाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी थी लिंक लगाने के लिए? HREF, यही है। आपने इधर आना है, इसको ब्राउज, नहीं नहीं ए लिंक्स के लिए है, पेजेस के लिंक के लिए है, ए पेजेस के लिंक के लिए, ये CSS के लिंक के लिए ख़ास एक लिंक का टैग बनाया हुआ है, ठीक है। ब्राउज किया और ये पड़ी है फाइल, हाँ चल जाएगा अब चलेगा, तुम बताओ वो पीछे, हाँ नहीं तुमसे पीछे, नहीं नहीं तुम भी, ये चल जाएगा लिंक, क्यों चलेगा बताओ? अब मैं बताता हूँ, सुनिएगा मेरी बात, सुनिएगा गौर से सुनिएगा मेरी बात, ये लिंक नहीं चलेगा। ये देखो नहीं ना चला, सबसे पहली बात है ये एक स्टैंडर्ड है, एक रूल है कि हमने लिंक का टैग हमेशा हेड में लगाना। आप कभी नहीं देखोगे अपनी पूरी ज़िंदगी में कि लिंक का टैग हम कभी बॉडी में लगाओ, हमेशा हेड में। अब ये पता क्यों नहीं चला, ठीक है इसको मुझे रिलेशन देना REL, REL। अब गौर से सुनो, ये जो लिंक का टैग है ना, ये सिर्फ स्टाइल शीट लगाने के काम नहीं आता, इसके और भी काम है। अब मैंने जब वो फाइल लोड की है ना, इसको पता ही नहीं है कि ये किस पर्पस के लिए फाइल लोड हुई है।
मैंने लिंक के अंदर क्या लिखना है कि भाई ये जो मैंने फाइल ले गई है ये क्या है, स्टाइल शीट है। अब मैं अगर इधर आता हूँ, अब चलो मैं आपको बताता हूँ यार, ये देखो लिंक का टैग ये है ना, ये देखो इस टाइम पे मेरी फाइल के ऊपर कोई लोगो आ रहा है वहाँ टैब पे, नहीं आ रहा ना, लोगो लगाते हैं किस तरह से लगाना है। ये देखो मैंने अगेन लिंक का टैग यूज़ किया, HREF किया, मैंने ब्राउज़ किया, ब्राउज़ करके ये देख रहे हो ये पिक्चर जो मैंने गन्स की थी ये उठाई, लोड होगी। अब इसको नहीं पता ये तस्वीर किस पर्पज़ के लिए यूज़ होगी, मैं फिर से रिलेशन बताऊँगा। आरियल लिखा, उसके बाद इसका रिलेशन क्या होगा, आइकन, आइकन क्या करेगा उसको ऊपर ले जाएगा और टैप कर देगा। सेकंड बेसिकली यार आप लोग जस्ट इतना जहन में रखो कि लिंक को नहीं पता कि उसके अंदर जो फाइल लोड हो रही है वो क्यों किस काम के लिए लोड हो रही है। अब हर किसी को पीछे कोड हुआ है ना इनका, मैं स्टाइल शीट लिखूंगा तो वो समझ जाएगा स्टाइलिंग की शीट है। आइकन से मुराद है ये फैब आइकन, एक तरह से है टैब आइकन, वो खुद ही टैब में वो तस्वीर पेंट है, तो वो पर्पस इज़ डिफरेंट है। जब तक आप आरियन नहीं लिखते आपका लिंक का टैब किसी काम का नहीं है, मैं जस्ट ये समझाना चाह रहा हूँ आपको। क्लियर हुई है बात, डन है, ओके। अब बात आती है कि जब एक ही काम करना था तो हमें 3000 में क्यों डाला गया, है ना बात। इंटरनल भी वही करता है, इनलाइन भी वही करता है, एक्सटर्नल भी वही करता है। मुझे लेकिन सबसे पहले एक बात पर वहाँ बोर्ड मार देते हैं, अब मुझे एक बात बताएं कि ये एक टी है, इसके अंदर कुछ लिखा होगा, ये एक पी था, मैंने एक पी पे एक ही टाइम पे तीनों स्टाइलिंग लगा लगा सकता हूँ ना मैं, yes। मैंने पी लिया, इनलाइन में मैंने उसको कलर दे दिया रेड, इंटरनल में मैंने उसे दे दिया ब्लू, एक्सटर्नल में मैंने उसे दे दिया, अब दोबारा लिख दिया यहाँ हम उसको क्या कर देते हैं, बताओ कौन सा कलर पकड़ा, इनलाइन पकड़ेगा सबसे ज्यादा मैच्योर काम कौन सा है, एक्सटर्नल, तो कौन सा पकड़ेगा, ग्रीन, इंटरनल पकड़ेगा। याद रखना जो स्टाइलिंग टैग के सबसे ज्यादा करीबी है पहले वो प्रायोरिटी, इनलाइन टैग के सबसे ज्यादा करीब है ना तो प्रायोरिटी उसकी है पहले, अगर इनलाइन खत्म कर देते हैं सेकंड प्रायोरिटी किसकी है, इंटरनल की, और अगर बचता ही पीछे एक्सटर्नल, बात समझ आई, प्रायोरिटीज़ हैं यहाँ। अगर ये देखो मैंने क्या किया है, इसके ऊपर ये आपके सामने एक्सटर्नल से आ रहा है ना, और एक्सटर्नल में कलर क्या लगा हुआ है, ब्लू, मैं अगर इसको एक्सटर्नल ही लगे हुए को ये दे देता हूँ तो उसने उसे छोड़ दिया, उसने अपने इंटरनल को पकड़ लिया, इनलाइन को पकड़ लिया, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सेकंडली एक्सटर्नल का एक और फायदा है, ज़्यादा बेहतर की बात नहीं है, मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। बड़े बड़े लेवल पे ना जब आप टेम्पलेट सब शुरू करोगे ना बनाना, आप एक्सटर्नल यूज़ करोगे, वो क्यों, इतना इतना कोड होगा कि तुम लोग एक ही फाइल में कैसे मैनेज करोगे, गंद मच जाएगा, वो अपने लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दोगे तुम सारे के सारे। अब एक्सटर्नल का एक और फ़ायदा है, सोचो तुम बताओ एक्सटर्नल का और क्या फ़ायदा हो सकता है, मल्टीपल फाइल्स, एग्जैक्टली। अब मेरी बात सुनो, ये देखें एक्सटर्नल का एक और काम है, ये एक मैं न्यू फाइल बनाता हूँ, इस न्यू फाइल को बनाने के बाद मैंने मिसाल के तौर पे एक फाइल है जिसका मैंने नाम रख दिया फाइल 2.html, ठीक है, इधर मैं आता हूँ, इधर मैं आके एक टेक्स्ट लिख लेते हैं जिसका हम नाम ले लेते हैं H1 में लिख लेते हैं, और हम कह देते हैं दिस इज अ हेडिंग,
कर लिया। अब इसकी भी स्टाइलिंग मैं किधर जाके पुट कर देता हूँ, लाइक ऑरेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो ऊपर वाली स्टाइलिंग किसी और फाइल की है, नीचे वाली स्टाइलिंग किसी और फाइल की है, तो सिंपली मैं उसको लिंक ना लगा दूँ। मैं इस फाइल का लिंक यानी इट्स मीन के यही वाला लिंक कॉपी करके जिस जिस फाइल में रखूँगा और इस फाइल में उसकी जहाँ जहाँ स्टाइलिंग पड़ी होगी वो खुद ही उठा लेगा। ये देखो अब मैं जाता हूँ, हाँ वो हो जाएगा, वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा, वो आईडीज़ का काम है, वो इंशाल्लाह कल आते साथ पहला वही काम है, आईडीज़ का काम है, क्लासेस आईडीज़ वगैरह जनरेट कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनिए, देखो इस पर भी लगा, ये समझ आया तो बोलो ना, बताओ मुझे यार। सिंपल मैंने कहा ये देखो, इस टाइम पे आप लोगों के पास कितनी फाइल्स हैं टोटल? तीन, जो आप गेम खेल रहे हो तीन फाइल्स की है। ये आपके पास एक फाइल है जिसके अंदर क्या लिखा है P, ये आपके पास एक फाइल है जिसके अंदर क्या लिखा है H, ऐसा ही है। ये आपके पास स्टाइलिंग की फाइल है और इसके अंदर दोनों की स्टाइलिंग डिफाइंड है, ऐसा ही है। तो मैंने दोनों के ऊपर इसका ही लिंक लगा दी ओपनिंग स्टाइल, ये बताना चाहूँ, ठीक है, क्लियर है। अच्छा आज तो बस छोटी मोटी चीज़ें जो थी वो मैंने देखी हैं, कल से प्रॉपर उसे देखना शुरू करते हैं सी एस एस को, ठीक है। इंशाल्लाह कल से आपको समझ आ जाएगा कि लेआउट्स कैसे उन्हें बिल्डअप करना शुरू करते हैं साथ के साथ। तो रिकॉर्डिंग ले लें, कितना टाइम लगेगा सी एस एस पे? सी एस एस के 6 लेक्चर्स आप रख दें आप, और आज मैंने इंक्लूड किया आधा होगा, डिपेंड करता है। आप काफ़ी लोग एब्सेंट हैं, एब्सेंट हो एक वो नहीं आया लड़का जो आईडी